संचालकों के साथ बैठक हुई थी, क्या बातें? जो घटना हुई थी 24 तारीख को राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पर, तो उसमें उसको नियंत्रण के क्रम में और उसके बाद जो पत्थरबाजी और आगजनी की घटना हुई और उसमें जो चार लोग गिरफ्तार किए गए थे, उनसे पूछताछ के क्रम में कुल छः ऐसे लोगों का आया था नाम, जो कि किसी न किसी कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए थे, उसके संचालक या उसके प्रतिनिधि थे। तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने आज जो बिहार एसोसिएशन है कोचिंग का, उसको उनके पदाधिकारी और उनके अन्य सदस्यों को बुलाया था। लगभग 25-30 की संख्या में लोग शामिल हुए थे। तो एक तो ये कि हम लोगों ने अपना जो एक्सपेक्टेशन है उसको हम लोगों ने ब्रीफ किया है कि किसी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि में या उसको प्रोत्साहित करने में कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए किसी भी कोचिंग संस्थान की। कोचिंग का दायित्व तो पढ़ाने का है, बच्चों का कैपेसिटी बिल्डिंग का है, तो वो होना चाहिए। ये हम लोगों ने अपनी अपेक्षा बताया है और उन लोगों का भी कुछ ग्रीवांस था तो उसको भी हम लोगों ने सुना है। और हम लोगों का बहुत स्पष्ट मंतव्य है कि पूरा कोचिंग जो संस्थान है या प्रोफेशन है उस पर किसी प्रकार का हम लोगों को शक नहीं है और उस पर किसी प्रकार का उसके प्रति हम लोगों के मन में पूर्वाग्रह भी नहीं है। लेकिन जिन लोगों का नाम आया है उसका हम लोग साक्ष्य के आधार पर जरूर जांच करेंगे और अगर किसी प्रकार का भड़काने का या अन्य कोई वो मामला सही पाया जाता है तो जो नियमानुसार कार्रवाई है वो कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। इससे यहाँ पे दूसरे से लगातार अभी भी मोबिलाइज किया जा रहा है, लोगों को अभी भी जो है ट्रेनिंग कराया जा रहा है। कल भी कॉल दिया गया। देखा जी जी, आज देखें जो हम लोगों ने मीटिंग बुलाया है बेसिकली इसी काम के लिए ही बुलाया था, क्योंकि कल भी जैसे 28 तारीख को लेकर रेल रोको का जो चल रहा है और उसमें भी एक संभावना होती है कि हिंसा होगी, क्योंकि पहले भी 2 दिन लगातार हिंसा हो चुकी है। तो इस प्राथमिकी, क्योंकि जो प्राथमिकी हुई है उसके आधार पर भी हम लोग जो विभिन्न सोशल मीडिया चैनल्स हैं ऐसी साइट्स को ब्लॉक करवाने के लिए ऑलरेडी रिक्वेस्ट भेज भी चुके हैं। और सेकेंडली आज कोचिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार के जितने भी प्रतिनिधि आए थे उनके माध्यम से हम लोगों ने अपील भी किया है कि आज सभी जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो शिक्षक के अपने, क्योंकि हर एक के आजकल अपने यूट्यूब चैनल्स हैं, उनके माध्यम से भी वो अपील करेंगे। जो जो बातें हुई हैं सरकार की तरफ से आप जानते हैं कि इसमें ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी रेलवे अथॉरिटीज़ की तरफ से बन भी चुका है, तो जो भी तथ्य हैं उनको बता दिए गए हैं ताकि इसमें जो स्टूडेंट्स को दुष्प्रेरित कोई नहीं कर सके। और हम लोगों ने ये भी स्टर्न मैसेज दे दिया है कि यदि इस प्रकार का कल का कोई मोबिलाइजेशन होता है और किसी का भी नाम स्पष्ट रूप से आता है और हम लोगों को साक्ष्य मिलता है कि उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से मोबिलाइजेशन हो रही है, तो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। क्योंकि जी 28 तारीख को जी जी जो पहले हम लोगों ने 24 तारीख को ये घटनाक्रम हुआ था, जो कि पहला घटनाक्रम, तो उसी वक्त ही हम लोगों को जानकारी थी कि 26 और 28 को, 28 को पुनः रेल रोको का आह्वान किया गया है विभिन्न संगठनों या प्लेटफॉर्म्स के द्वारा। तो कल भी हम लोगों का जो प्रिवेंटिव डिप्लॉयमेंट है प्रमुख रेलवे स्टेशंस पर और जहाँ पे इम्पॉर्टेंट हम लोगों के रेलखंड हैं वहाँ पे रहेगा। हम लोगों ने जो रेल पुलिस है उसके साथ भी हम लोगों ने समन्वय स्थापित किया है, कुछ कुछ जगह पे उनका डिप्लॉयमेंट रहेगा, कुछ कुछ हम लोगों का डिप्लॉयमेंट रहेगा। और जहाँ पे खास करके जहाँ से मोबिलाइजेशन होने की आशंका होती है, जहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की ज़्यादा तादाद है, जहाँ से लोगों के आने की आशंका, वहाँ पे भी हम लोगों की प्रिवेंटिव डिप्लॉयमेंट और पेट्रोलिंग रहेगी। और इसके अतिरिक्त हम लोग लगातार जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनका हम लोग मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, क्या ट्रेंड हो रहा है, कौन सा कैंपेन ट्रेंड हो रहा है, इसमें कौन कौन से लोग जुड़े हैं, लगातार इस पूरी सिचुएशन की हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, कोरोना प्रोटोकॉल का 20 तारीख को जो बिघना पहाड़ी इलाके में पुलिस का मूवमेंट हुआ था, जो राठी चालू था, वहाँ भी हॉस्टलों में घुसों के पिटाई के कुछ वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, उन वीडियो पे क्या कहेंगे? देखिए, जो पुलिस एक्शन होता है, पुलिस एक्शन हमेशा संविधान के दायरे में ही होता है। और इसमें जो भी क्योंकि इसमें सब मीडिया वाले भी बहुत घायल हुए थे उस दिन बिघना पहाड़ी पे, मुसलापुर हाट में भी, और जो भी जो प्रोवोकेशन हुआ, प्रोवोकेशन को नियंत्रित करने के लिए जो भी हम लोगों के पास कानूनी कार्रवाई होती है नियंत्रण के साथ हम लोग करते हैं, पर्याप्त जो हम लोग बल प्रयोग करते हैं बिल्कुल न्यूनतम करते हैं और उतना करने का अधिकार भी होता है। और इसमें क्योंकि वीडियोग्राफ्स भी हैं हम लोग आपके पास भी बहुत सी वीडियो क्लिप्स हैं, उनके एनालिसिस के आधार पर ही नेमिंग भी किया गया है, अरेस्टिंग भी आप लोग जानते हैं उसी के आधार पर की गई है, जेन्युइन अरेस्टिंग हुई है और आगे की कार्रवाई भी केवल और केवल एविडेंस के आधार पर ही की गई है। आप इस वाले भी जो हम लोग FIR कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रोटेस्ट्स हैं, प्रोटेस्ट के लिए परमिशन ज़रूरी है कोविड प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली, तो इस वाले में भी हम लोग जो कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ है उसकी धाराओं को हम लोग ऐड करवा रहे हैं। तो कल के लिए भी यही होगा कि यदि जो हम लोगों के कोविड के रिस्ट्रिक्शंस हैं
अगर उसका कोई उल्लंघन करता है तो जो हमारा एपिडेमिक एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के नीचे जो हम लोगों को कानूनी प्रावधान दिए गए हैं, जो शक्तियाँ प्रदत्त हैं, उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए कोई अपील है? स्टूडेंट्स के लिए यही अपील है कि जो भी उनकी ग्रीवेंसीज हैं, जो भी उन लोगों की शिकायतें हैं, उसके लिए रेल मंत्रालय की तरफ से एक प्रॉपर आप लोगों को नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी करके ग्रीवेंस कमेटी का रिड्रेसल किया जा चुका है, और उसके समक्ष आप अपनी ग्रीवेंसीज संवैधानिक रूप से रख सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में आप कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, हिंसक मत होइए, क्योंकि हिंसा से सरकारी संपत्ति का नुकसान होता है, आम लोगों को बहुत असुविधा होती है, और जो भी आपकी ग्रीवेंसीज हैं उसको प्रस्तुत करने का एक संवैधानिक तरीका है। उस दिन भी हम लोगों ने बहुत बारी अपील किया था, आप लोग सभी उसके प्रत्यक्ष साक्षी भी हैं, कि अपना ज्ञापन दीजिए आप लोगों का, हम लोग आगे पहुँचाएंगे। जो सक्षम प्राधिकार हैं, स्वनियंत्रण में रहें, संयम में रहें, और किसी प्रकार की हिंसक गतिविधियां नहीं करें, नहीं तो कानूनी रूप से सख्त कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।